गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। The whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया ये मैं नहीं हूँ और ना ही YouTube के पैसों की बरसात हो रही है मुझ पर कि Google मेरे घर पे ब्लैंक चेक्स भिजवा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ़ कीजिए पर हाँ, इस पर भी बात करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा अपने आप को कि क्या मैं कर रहा हूँ YouTube पर, क्या संगीत प्रभाव वर्ल्ड कर रहा है और क्या वाकई YouTube पैसों का पेड़ है। कल ही जो मैंने एक वीडियो डाला, सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। उस पर एक सज्जन ने कॉमेंट किया है और भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसी प्रकार के, तो मैंने सोचा चलिए इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं कि क्या YouTube पैसों का पेड़ है, उससे कितनी कमाई होती है और अगर आप भी कमाना चाहते हैं YouTube से तो आप क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमारा सिखाना है। क्योंकि उन सज्जन ने ये क्लेम किया कि मैं भी संगीत को बेच रहा हूँ, तो क्या मैं वाकई संगीत को बेच रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और कितनी कमाई हो जाती है। आइए पूरा वीडियो देखिएगा और उस पर चर्चा करते हैं। हम आंसुओं की तरह मुस्कुराने वाले थे, भला गमों से सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। महाकवि दुष्यंत कुमार जी का ये बहुत मशहूर एक शेर है और यही मेरी भी एक मान्यता है कि मैं YouTube पर जो वीडियोस डाल रहा हूँ, जो विवादों पर भी अगर मैं कभी कभार बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाह रहा हूँ कि ये बॉस कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि बदलाव आए, सिर्फ वबाल नहीं आए, बगावत ना हो, ऐसा ना हो कि बस लोगों में भड़क जाएं लोग, पर बदलाव आना चाहिए। तो प्लीज़ उसका भी ख्याल रखिएगा। चलिए आज बात करते हैं कि YouTube का क्या सीन रहता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज से 11 साल पहले जब ये चैनल शुरू हुआ, 10-11 साल पहले, तब YouTube पर फेमस हो जाना और YouTube से कुछ कमाई कर पाना लगभग नामुमकिन था। लगभग ऐसा इसीलिए कहूँगा, बहुत मुश्किल काम था क्योंकि फीचर्स सबसे पहले तो सबको पता नहीं थे, इंटरनेट की रीच में सब लोग थे नहीं और डेटा जो इंटरनेट का होता है वो इतना सस्ता भी नहीं था कि हर कोई वीडियो डाल देगा और यू नो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर रह पाए। क्योंकि आप जानते हैं YouTube में रेगुलरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। YouTube में सिर्फ दो वीडियोज़ डाल दिए और आप फेमस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, बड़ी मुश्किल काम है। और ऊपर से जैसा कि काम हमारा है, नेक, पाक, साफ, कोई अश्लीलता हम लोग प्रमोट नहीं करते, कोई उलझुलूल चीज़ें नहीं सिखाते हैं, ऊटपटांग हरकतें नहीं करते हैं, नागिन धुन नहीं सिखा रहे हैं, गानों के नोटेशंस नहीं दे रहे हैं, बड़ी शास्त्रीय संगीत को लेकर, अध्यात्म की बातों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सच्ची बातों को बता रहे हैं। ऐसे लोग फेमस ज़्यादा हो जाएं, ये चीज़ इतनी आसानी से न तब मुमकिन थी और मेरे ख्याल से ना आज मुमकिन है। तब भी यही था कि कुछ उलझुलू करिए, अजीबोगरीब करिए तो लोग तुरंत देखेंगे, अरे यार ये क्या बात है, तुरंत उसको क्लिक करेंगे, क्लिक बेट्स होते हैं, तुरंत उनको देखेंगे, सराहेंगे, प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि हास्यास्पद चीज़ें होती हैं, एंटरटेन करती हैं आपको। लेकिन हमारा जो काम है वो इंफोटेनमेंट का है, हमेशा से मैंने कहा है कि इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देते हैं। तो आज से 10-11 साल पहले भी इतना मुश्किल था और आज भी हम जैसे लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है YouTube पर प्रसिद्धि पा पाना या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाना। तब से लेकर आज तक हमने तब भी यही कोशिश करी, हमारे सामने बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने अजीबोगरीब हरकतें करके बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन तब भी न मेरे पिता गुरु ने ये सलाह दी, न मुझे ये लगा कि हमें कुछ ऐसा अजीब करना चाहिए, कुछ ऐसा ऊटपटांग करना चाहिए जिस वजह से हमें जल्दी से प्रसिद्धि मिल जाए। तब भी हमने शास्त्रीय संगीत की बात करी, आज भी हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं, हम आपको बिल्कुल सरल तरीके में नहीं ले जाते हैं और ऐसा नहीं करते हैं कि ये कर लो इससे तो हो जाएगा, ये जो वो होता है ना 30 दिन में अंग्रेज़ी सीखिए, बस ये धुन सीख लीजिए आपका काम हो जाएगा, बस ये राग सीख लीजिए आपको और कोई राग सीखने की ज़रूरत नहीं, ये रियाज बस इतना ही काफ़ी है, ऐसी चीज़ों पर हम बात नहीं करते हैं। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हों तो थोड़ा सा मैं भी ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अगर मेरे वीडियो के अंदर की बात पर गौर करेंगे तो वो असल बात होती है, सटीक बात होती है। ये जो टाइटल्स होते हैं ना, ये बेसिकली आप लोगों के सवाल होते हैं, तो भैया मुझे तो उनका टाइटल वही रखना पड़ेगा ना कि जल्दी से जल्दी संगीत कैसे सीखें, 30 दिन में हारमोनियम कैसे सीखें, लेकिन अंदर जो मैं बात बता रहा होता हूँ वीडियो के, वो असल बात होती है कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। संगीत साधना है, बहुत वक्त मांगता है, बहुत समर्पण मांगता है ना, तो वो चीज़ है।
अब लोगों को क्या लगता है कि YouTube पर वीडियो डालना और वायरल होना बड़ा आसान है, लेकिन मैंने बता दिया कि किस चीज़ की वजह से आप वायरल हो सकते हैं, रील्स पे, शॉर्ट्स पे या Instagram पे, या अभी जो नए नए फीचर्स आते जा रहे हैं उस पर कैसे फेमस हो सकते हैं। कुछ कॉमेडी स्केच कर लीजिए, कुछ अश्लीलता दिखा दीजिए तो तुरंत फेमस हो जाएंगे, है ना। और अगर हमारी तरह रियाज की बात कर रहे हैं, सवेरे 4 बजे उठ के साल लगाने की बात कर रहे हैं, तो कोई नहीं ध्यान देगा, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि किसी को नहीं पड़ी उसकी कि 4 बजे उठ के क्या साधना, क्या रियाज, भैया आप तो शॉर्टकट बताओ। ठीक है, तो शॉर्टकट अगर बता दिया तो जल्दी फेमस हो जाओगे, और वो हमने कभी किया नहीं और ना हम करेंगे। हाँ, ऐसे क्लिकबेट्स का इस्तेमाल जरूर मैं करता हूं, बिकॉज दिस इज मार्केटिंग, क्या करें, बेचना पड़ता है। सच खुद ब खुद इस तरह से इतनी आसानी से नहीं बिक जाता है, सच को भी पैकेजिंग की जरूरत होती है। तो ये पैकेजिंग ही समझ लीजिए, जो मेरे थंबनेल्स होते हैं, जो टाइटल्स होते हैं, जो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, कैची होते हैं, उनके थंबनेल्स कैची होते हैं, उनमें फोटोज कैची होते हैं, बैकग्राउंड्स कैची होते हैं, या जो टाइटल मैंने वीडियो का डाल रखा है वो है, या जो मैं शुरुआत में थोड़ा सा कुछ बोल देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करके बस आपको यू नो फजूल बातें बताना चाहता हूँ, नहीं, ध्यान आकर्षित करके उसके बाद असल बातें बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सीधी सीधी असल बातें नहीं खरीद रहे हो आप लोग। और मैं संगीत बेच नहीं रहा, मैं फिर से कहता हूँ, मैं संगीत सिखा रहा हूँ, और वो फ़र्क यही है कि मैं संगीत में क्या सिखा रहा हूँ उससे मालूम चलेगा। अब उन सज्जन का ये कहना था कि आप भी तो संगीत बेच रहे हो ना, आपको भी तो पैसों की कमाई होती होगी, आप मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी देखिएगा, जो मैं इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूँ, जिन चीज़ों पर मैं काम करता हूँ, जहाँ जहाँ जगह जा जा के शूट करता हूँ, जिन जिन कलाकारों को हम लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि यूँ कह रहा हूँ कि भैया बहुत देखो हम इतना पैसा लगाते, नहीं, एक सत्य बात बता रहा हूँ। किसी भी, उनका ये कहना था सज्जन का कि आपको भी तो मुनाफा होता होगा, तो मेरा उनको भी यही जवाब था और आप लोगों को भी मैं यही जवाब दे रहा हूँ। किसी भी बिज़नेस में जितनी लागत होती है ना, मुनाफा तब कहते हैं जब वो लागत भी कवर हो जाए और उससे ऊपर भी आपकी कमाई हो जाए। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। YouTube पर हम लोग आप लोगों के लिए जितनी मेहनत करते हैं, जिस इक्विपमेंट, जिस क्वालिटी, जिन कलाकारों को बुला बुला के हम लोग मेहनत करते हैं, जाहिर है उसमें बहुत लागत लगती है, बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन उतना खर्च YouTube से नहीं निकलता है। ये बहुत साफ बात है, ये आपको मैं समझा दूँ। अब दूसरी चीज़ ये समझिए, कोई भी कलाकार हो, भले ही वो किसी भी फील्ड का हो, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, सिर्फ एक बिजनेस करके या सिर्फ एक रास्ते से वो अमीर, वो रईस नहीं बनता है, वो प्रसिद्ध नहीं बनता है। बहुत सारी चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मल्टी टैलेंटेड होना पड़ता है। उसी तरह से बिजनेस करते समय भी आपको कई सारी चीज़ें चलानी पड़ती हैं। अगर आपको वाकई जानना है कि हमारी कमाई कैसे होती है या आप लोग कैसे कमा सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा, मैंने म्यूज़िक में करियर कैसे बनाया जब उस पर बात करी थी, तब भी ये चीज़ समझाई थी कि या तो आप क्लासेस ले लीजिए, टीचर बन जाइए, गवर्नमेंट टीचर बन जाइए, प्राइवेट स्कूल में टीचर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, या फिर आर्टिस्ट बनिए, जगह जगह जा जाके कैफेज़ में, रेस्टोरेंट्स में आप लोग परफॉर्म कीजिए, फिर वहीं से धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बनेगी, धीरे धीरे आपको शोज मिलेंगे, आप ओरिजिनल काम करने लग जाएंगे, आपको फिल्मों में काम मिलेगा, आपको ओन म्यूजिक वीडियोस बना सकते हैं, एल्बम्स बनेंगी, मुझ जैसे म्यूजिक कंपोजर्स या और भी बड़े लेवल के प्रोड्यूसर्स वो आपको उठाएंगे, पकड़ेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, हम लोग भी तो यही कर रहे हैं YouTube पे, हम लोग भी यही कर रहे हैं, अपना पैसा लगा लगा के आर्टिस्ट को बुला बुला के, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग में कितना वक्त, कितना पैसा लगता है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। लोगों को लगता है बस यूं हो गया, यूं कमाई हो गई, है ना, और हमने YouTube पे वीडियो डाला, वायरल हो गए। आप मेरे वीडियो के वीडियोज़ के व्यूज़ उठा के देखिए कि जो जिनमें मैंने असल बात बताई है उनके व्यूज़ कितने हैं, और कंपेयर कीजिए फिर कि जहाँ वीडियोज़ में ऐसे झटके वाले तरीके बताए ना, उनके व्यूज़ कितने हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं YouTube से बहुत करोड़ों छाप रहा हूँ या बहुत अमीर हो गया हूँ, नहीं। दूसरी चीज़ें हैं जिनसे हमारी थोड़ी सी इनकम हो जाती है, जिस वजह से हम लोग YouTube पर और बेहतर से बेहतर काम करते हैं। हमारा मकसद अगर ये होता ना कि पैसा ही कमाना है, तो मेरे ख्याल से ये चैनल, मैंने उनको भी यही जवाब दिया था, मेरे ख्याल से ये चैनल हमने बरसों पहले ही बंद कर दिया होता, क्योंकि इतनी तो हमारी इनकम नहीं हो रही है YouTube से जितनी हमारी लागत इसमें लग रही है। करने को हम भी क्या करते, एक छोटे से कमरे में बैठ के फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर लेते, नहीं, हम तब भी कैमराज का इस्तेमाल करते हैं। अभी भी इस फिलहाल वीडियो में भी आप देख रहे हैं, दो दो कैमराज इस्तेमाल हो रहे हैं, माइक्रोफोन अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, महंगा वाला, महंगी रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑडियो सिस्टम अच्छा लगा रखा है, क्यों, आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिले। हम लोगों की गजलें, भजन हम लोग पहले डाला करते थे फोन से रिकॉर्ड करके, पर धीरे धीरे उसमें हमने एनहांस किया, अच्छे कलाकारों को बुलाया, अच्छा इक्विपमेंट इस्तेमाल करके अच्छा साउंड आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। तो ये सब हम कर रहे हैं, इससे उतना खास मुनाफा नहीं हो जाता है, मैं पहले भी कह दूं, है ना, प्रमोशन बहुत लगता है तब जाके कुछ हो पाता है। अगर मेरी गजलें देखेंगे आप, हम लोगों के ओन प्रोडक्शंस देखेंगे, उसमें कितनी लागत लग चुकी है और उससे कितना मुनाफा हो रहा है। तो मुनाफे के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग ये, आप लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। कोई हमें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, ठीक है।
बट फिर भी हम करते रहेंगे क्योंकि आप लोगों से जुड़ना है, आप लोगों को असल संगीत बताना है। थोड़ी लागत लगेगी, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन झेल जाएंगे, है ना, क्योंकि आप लोगों तक पहुंचेंगे, सच्ची बात आपको बताएंगे, तो अपने आप ही लोग हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है ना, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद मेरे वीडियोज़ को शेयर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैं YouTube पर क्या कर रहा हूँ, और YouTube की जो कमाई है Google की। मैं पहले एक और फन फैक्ट आपको ये बता दूँ, फन फैक्ट तो क्या है, बड़ा दुखद फैक्ट है ये कि इंडिया में जो YouTube Google पे करता है ना, वो बहुत कम करता है बनिस्बत किसी और देश के, क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के पैसे होते हैं YouTube पर, जाहिर सी बात है, जो एडवर्टीजमेंट्स हमारे वीडियोज़ पर आते हैं, जो गूगल एड्स लगाता है उसकी, उसके लिए हमें गूगल पे करता है, यू नो, एनालिटिक्स में अगर हम जाके देखते हैं तो गूगल एड्स के ही पैसे मिलते हैं, ना तो हमारे वीडियोस पर उतने एड्स लगते हैं, और ना ही उन एड्स पर हमें परसेंटेज जो क्रिएटर को मिलता है वो उतना नहीं मिलता है, वो ज़्यादातर उस कंपनी को ही जाता है, यूट्यूब को जाता है, और उसके बाद कुछ परसेंटेज बचता है जो क्रिएटर को जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कमाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कल भी जो मैंने वीडियो डाला वो कल परसों जो मैंने वीडियो डाला वो इसलिए नहीं था कि उससे मैं कमाना चाह रहा हूँ या हंगामा खड़ा करना चाह रहा हूँ, भी मैंने बताया नहीं, मैं बस आपको सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। एटलीस्ट आप ये तो देखिए, मैं कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब हरकतें नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पॉलिटिक्स पे मैंने बात करी थी, पॉलिटिक्स एंड म्यूजिक, या उससे पहले भी दो तीन ऐसे विवादित टॉपिक्स पर मैंने बात करी, तो वो इसीलिए नहीं करी थी कि आप ये देख लें कि उससे मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा। कोई फेमस नहीं होने वाला हूं, और मैं असल बात बता रहा हूं, उसमें मैंने कुछ उल जुलूल ऊट पटांग गालियां नहीं दी हैं, वरना मैं भी गालियां दूं हैं कैमरा के सामने तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, किसी और की बुराइयां कर लूं, रोस्टिंग शुरू कर दूं, गेम चैनल शुरू कर दूं, तो मैं भी जल्दी फेमस हो जाऊंगा, मगर ये काम नहीं है मेरा, मेरा काम शास्त्रीय संगीत का है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम चल गया होगा, और फिर भी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, और अगर मेरी बात सही लगी तो धन्यवाद है आपका, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें।